हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे ऑफिस में लग रही है नेकी की दीवार, जिसमें हमें पुराने कपड़े दान करने हैं, मतलब जो हम पहनते नहीं हैं ऐसे कपड़े हमें दान करने हैं। और मेरा इतना बड़ा बैग हुआ है, मैं ऑफिस में दिखाऊंगी और लोगों का कितना बड़ा बैग हुआ है। मिलते हैं ऑफिस में। ये देखिए, एक और पोटली आई, देखो खाना नहीं, वो आ गई खाली, आ गई हाँ। पोटली की हाँ, वो बता रही थी जो अम्मा ने। ओ, दूसरी मैडम को हम बाद में दिखाएंगे, अब तीसरी मैडम को दिखाने जाती हूँ। चौथी पोटली है, क्या क्या है इसमें खोल के भी ये है मेरे पास, उसमें आई एम हैप्पी, सबसे बड़ी पोटली मेरी। ये तो बहुत ही, तो मेरे से भी बड़ा बैग लेके आई है। कितने में यार बचे हुए टाइम ही नहीं हुआ। बढ़िया, सही है, सही है। पुराने कपड़े क्या फटे हुए क्या देने हैं? हाँ, फटे नहीं, अच्छे अच्छे होने चाहिए सब। हाँ। ठीक है, सब ठीक है। तो गाइस, हमने अपने कपड़े लगा दिए हैं, अभी मैं पहचान में नहीं कपड़े कौन से मेरी पहचान में आ रही है, ये ब्लॉग में डालोगी तो अभी कपड़े जो कपड़े देखे कि वो ये ब्लॉग में बना था, ये ब्लॉग में बना था। आपके कपड़े तो कर देगी या जैसा भी लगा, फिर दूसरे दिन से हट गए थे वहां से। नेकी की दीवार हाँ। आराम से रखिए ना सर, लग नई नई है यार, अभी खरीद के लाए हैं ऐसा लग रहा है। फिर हम क्या करते हैं ना, जाड़ों में शुरू करते हैं। अच्छा, ठंड के मौसम में लोगों को गर्म कपड़ा मिलता नहीं है। अब हम तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं ना, और हर किसी के घर में कपड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप घर में जाओगे ना, आपके पास 10 ऐसे सूट होंगे जो आप हाथ ही नहीं लगाते होंगे, आपके पास ऐसी जींस की पैंट होगी उनको आप छूते ही नहीं होंगे, लेकिन आप किसी को देने से कतराते होंगे। क्यों? माना मैंने कह दिया उनका, बहनी मेरे पास बहुत अच्छी जैकेट है, ये बड़ी महंगी ब्रांडेड है तू पहने की, तो तुम मुझे जैकेट दे रहे हो। अधिकतर सोच ये है, लेकिन जिनको जरूरत है उनकी कोई सोच नहीं है, उनको कोई ब्रांड नहीं चाहिए, उनको एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा चाहिए जो जाड़ों में उनका तन डाल दे। तो क्या हुआ कि जाड़ों में ही हम इसको ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हमने कभी कपड़ा तो जरूरत हर सीजन की है, जाड़ों में तो हम देते ही देते हैं, कम्बल हो गया, दरी हो गया, ये जैकेट स्वेटर हो गई। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा नहीं, अब हम एक रूम बना लेते हैं, उस रूम में जो भी कपड़ा आएगा उसको रखते हैं, और हमारी जो टीम है उसको उम्र के हिसाब से, लड़का लड़की छोटे बच्चे औरतें बूढ़ी महिलाएं, उनके हिसाब से उसको छांट लेते हैं। छांटने के बाद रख दिया तो क्या होता है कि अक्सर लोग, अब क्योंकि हमारा इतना अच्छा सफल हो गया ये कार्यक्रम कि दूर गांव तक पहुंच गया है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, और ये सारे कपड़े नेकी की दीवार की टीम आके ले गई, और अब ये कपड़े ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाएंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।